क्या संभव है और क्या असंभव, ये देखना आपका नहीं प्रकृति का काम है। आपका काम है मनचाही चीज पाने के लिए मेहनत करना। इस धरती पर जो अब तक नहीं हुआ वो कल हो सकता है। कोई काम किए बिना भी आप वो बना सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो अगर जीवन को आपके हिसाब से चलना चाहिए तो सबसे पहले आप कैसे सोचते हैं और विचार प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा है, इससे तय होगा कि क्या आपका विचार एक सच्चाई बनेगा या सिर्फ एक विचार रहेगा। अगर आप अपने मन को संगठन के एक निश्चित स्तर तक व्यवस्थित करते हैं तो ये पूरी प्रणाली को व्यवस्थित करता है। आपका शरीर, आपकी भावना, आपकी ऊर्जा सब कुछ उसी दिशा में व्यवस्थित हो जाती है। जब आपके ये चारों आयाम, आपका भौतिक शरीर, आपका मन, आपकी भावना और मौलिक जीवन ऊर्जाएं एक दिशा में व्यवस्थित हो जाती हैं, जब आप ऐसे हो जाते हैं तो आप जो भी चाहते हैं वो वाकई छोटी उंगली उठाए बिना होता है। आपके काम करने से उसमें मदद मिलेगी, लेकिन कोई काम किए बिना भी आप वो बना सकते हैं जो आप चाहते हैं। अगर आप इन चार आयामों को एक दिशा में रखते हैं और कुछ समय तक उन्हें उसी दिशा में स्थिर रखते हैं। अभी आपके मन की समस्या है कि हर पल ये अपनी दिशा बदल रहा है। ये ऐसा है जैसे आप कहीं जाना चाहते हैं और हर दो कदमों पर आप अपनी दिशा बदलते रहते हैं, तो आपका मंजिल तक पहुंचना बहुत मुश्किल है जब तक कि यह संयोग से न हो। तो अपने मन को व्यवस्थित करना और उससे पूरे सिस्टम को और अपने इन चार बुनियादी आयामों को एक दिशा में व्यवस्थित करना, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप खुद कल्प वृक्ष हैं। Anything that you wish will happen. जो भी आप चाहते हैं वो होगा। जब हम इस तरह समर्थ हो जाते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी शारीरिक क्रिया, भावनात्मक क्रिया, मानसिक क्रिया और ऊर्जा क्रियाएं नियंत्रित और ठीक दिशा में हों। अगर ऐसा नहीं है तो हम विनाशकारी, आत्म विनाशकारी बन जाते हैं। अभी यही हमारी समस्या है। जिस तकनीक को हमारे जीवन को सुंदर और आसान बनाना चाहिए वो सभी समस्याओं की जड़ बन गई है। तो मन को व्यवस्थित करने का बुनियादी मतलब है चीजों को विवशता से करने के बजाय जागरूक होकर करना। आपने ऐसे लोगों के बारे में सुना होगा जो कुछ मांगते हैं और सभी उम्मीदों से परे वो उनके लिए सच हो जाता है। आमतौर पर ऐसा उनके साथ होता है जो श्रद्धा रखते हैं। मान लीजिए आप घर बनाना चाहते हैं। अगर आप सोचने लगेंगे, अरे मैं एक घर बनाना चाहता हूं, घर बनाने के लिए 50 लाख रुपए चाहिए, मेरी जेब में 50 रुपए हैं, नहीं होगा, नहीं होगा, संभव नहीं है। जैसे ही आप कहते हैं संभव नहीं है, आप ये भी कह रहे हैं कि मैं ये नहीं चाहता। तो एक स्तर पर आप इच्छा पैदा कर रहे हैं कि आप कुछ चाहते हैं, दूसरे स्तर पर आप कह रहे हैं मैं ये नहीं चाहता। तो इस संघर्ष में ये शायद न हो पाए। अगर आप चाहते हैं कि जीवन आपके हिसाब से चले, क्योंकि अभी आपकी खुशी और आपकी खुशहाली की बुनियाद ये है। अगर आप दुखी हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए आप दुखी हैं कि जीवन वैसे नहीं चल रहा जैसे आप चाहते हैं। बस यही बात है। तो अगर जीवन आपके हिसाब से नहीं चलता तो आप दुखी होते हैं। अगर जीवन आपके हिसाब से चलता है तो आप खुश होते हैं। ये इतना सरल है। तो अगर जीवन को आपके हिसाब से चलना चाहिए तो सबसे पहले आप कैसे सोचते हैं, आपकी सोच में कितना फोकस है, आपके विचार में कितनी स्थिरता है और विचार प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा है, इससे तय होगा कि क्या आपका विचार एक सच्चाई बनेगा या सिर्फ एक विचार रहेगा। ये इससे भी तय होगा कि आप उल्टे विचार बनाकर उस विचार के लिए रुकावट नहीं पैदा करते। Is something possible or not possible? Is destroying humanity. क्या ये हो सकता है या नहीं, ये मानवता को नष्ट कर रहा है। क्या संभव है और क्या असंभव, ये देखना आपका नहीं प्रकृति का काम है। आपका काम है मनचाही चीज पाने के लिए मेहनत करना। अभी आप यहाँ बैठे हैं। अगर मैं आपसे दो सरल प्रश्न पूछूं, मैं चाहता हूं कि आप बस सुने और उत्तर दें। आप जहां बैठे हैं क्या वहां से उड़ सकते हैं? आप कहेंगे नहीं। क्या आप यहां से उठकर चल सकते हैं? आप कहेंगे हां। इसका आधार क्या है?
कि आप उड़ने के लिए नहीं और चलने के लिए हाँ कहते हैं। आधार है जीवन का अनुभव। कई बार आप उठकर चले हैं, कभी उड़ान नहीं भरी। या दूसरे शब्दों में, आप जीवन के पिछले अनुभव को आधार बनाकर ये तय कर रहे हैं कि कुछ संभव है या नहीं। या दूसरे शब्दों में, आपने तय किया है कि अब तक जो नहीं हुआ वो भविष्य में आपके जीवन में नहीं हो सकता है। ये मानवता और मानवीय भावना का अपमान है। इस धरती पर जो अब तक नहीं हुआ वो कल हो सकता है। इंसान इसे कल एक सच्चाई बना सकते हैं। तो क्या संभव है और क्या असंभव, ये देखना आपका काम नहीं है, ये प्रकृति का काम है। प्रकृति तय करेगी। आप बस देखिए कि आप वाकई क्या चाहते हैं और उसके लिए मेहनत कीजिए। और अगर आपका विचार एक शक्तिशाली तरीके से तैयार होता है, बिना किसी उल्टे विचारों के, कोई ऐसे उल्टे विचार न हो जिनसे विचार प्रक्रिया की तीव्रता कम हो जाए। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको स्पष्ट पता होना चाहिए कि आप वाकई क्या चाहते हैं। अगर आप नहीं जानते कि आप क्या चाहते हैं, तो उसे बनाने का सवाल ही नहीं उठता। अगर आप ये देखें कि आप वाकई क्या चाहते हैं, तो हर इंसान यही चाहता है। वो खुशी से जीना चाहता है, वो शांति से जीना चाहता है। In terms of its relationships, वो चाहता है कि उसके रिश्ते प्यार भरे हों। या दूसरे शब्दों में कहें तो कोई भी इंसान यही चाहता है कि वो अपने भीतर सुखी हो और उसके चारों ओर सुख हो। ये सुख अगर हमारे शरीर में होता है तो हम इसे सेहत या सुख कहते हैं। अगर ये हमारे मन में होता है तो हम इसे शांति और खुशी कहते हैं। अगर ये हमारी भावना में होता है तो हम प्यार और करुणा कहते हैं। अगर ये हमारी ऊर्जा में होता है तो हम इसे आनंद और परमानंद कहते हैं। यही एक इंसान की तलाश है। चाहे वो काम करने अपने ऑफिस जा रहा है, वो पैसा कमाना चाहता है, करियर बनाना चाहता है, परिवार बनाए, वो तब भी उसी चीज की तलाश में है। भीतर सुख, चारों ओर सुख। अगर यही हम चाहते हैं, तो मुझे लगता है इसे सीधे संबोधित करने और इसे बनाने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करने का यही समय है। अगर आप खुद को कुछ वाकई अच्छा बनाने के लिए प्रतिबद्ध करते हैं, तो आपका मन व्यवस्थित हो जाता है। जब आपका मन व्यवस्थित हो जाता है, तो आपकी भावना व्यवस्थित हो जाएगी। भावना का संबंध विचार से है। जब आपका विचार और भावना संगठित हो जाती है, तो आपकी ऊर्जाएं उसी दिशा में व्यवस्थित हो जाएंगी। जब आपके विचार, भावना और ऊर्जा व्यवस्थित हो जाएंगे, तो आपका शरीर व्यवस्थित हो जाएगा। जब ये चारों एक दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं, तो आप में मनचाही चीज बनाने और प्रकट करने की जबरदस्त क्षमता होगी। आप कई मायनों में ईश्वर होंगे। जो सृष्टि का स्रोत है, वो आपके जीवन के हर पल में आपके अंदर काम कर रहा है। बात सिर्फ ये है, क्या आपने उस आयाम तक पहुंच बनाई है या नहीं। अपने जीवन के चार मूल तत्वों को व्यवस्थित करके आपको वो पहुंच मिलेगी। ऐसा करने के लिए साधन और तकनीकें हैं। योग का पूरा विज्ञान, पूरी तकनीक, जिसे हम योग कहते हैं, वो बस यही है, खुद को सृष्टि के एक टुकड़े से सृष्टा बनाना। ये मेरी इच्छा और मेरा आशीर्वाद है कि दुनिया में हर इंसान को अपने भीतर सृजन के स्रोत तक पहुंचो, ताकि वो रचनाकार की तरह यहां काम कर सके, न कि सिर्फ एक रचना के रूप में।